आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारी लाल शर्मा और नीलम शर्मा तथा सुनील शर्मा और मेघा शर्मा ने मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित होकर यज्ञ वेदी पर विशेष आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर यज्ञ ब्रह्माचार्य पंडित सुशील आर्य ने पवित्र पावन वेद मंत्र द्वारा यज्ञ को संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक रवि पोडवाल, सुरेंद्र सिंह गुलशन और गायिका सोनू भारती ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। इस अवसर पर प्रवक्ता अश्विनी डोगरा ने आर्य समाज से जुड़े इतिहास से सबको अवगत करवाया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी याज्ञिक परिवारों का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारी लाल शर्मा, नलनी उपाध्याय, जसविंदर कालिया, बैजनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के समूह सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आचार्य सुशील जी ने बहुत ही सहज भाव से चारों वेदों के मंत्रों द्वारा आज इस यज्ञ को संपन्न कराया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सरदार सुरेंद्र सिंह जी गुलशन जी ने अपने भजनों से समा बांधा, सोनू भारती जी ने मंगल गायन किया और हम सभी इस यज्ञ के भागीदार बने। मैं विशेष अभिवादन करूंगा, आज हमारे बीच में श्री के गुप्ता जी आए हैं जो कि सनातन धर्म मंदिर कमेटी के सचिव भी हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं पहली बार। मैं इनका बहुत ही सारे समाज के मंच की तरफ से स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। और भी कई कुछ नए चेहरे आज हमारे सारे समाज में आए हैं इस आज के यज्ञ के लिए। आज का जो मुख्य यजमान गुरु हमारे भाई हजारीलाल शर्मा जी, ये पूरा परिवार, उनके सुपुत्र मनीष जी, प्रतिभा शर्मा जी, उनके पोत्र कनव शर्मा और मंगी शर्मा पोत्री है, और विदेश में बैठे हुए इनके सुपुत्र सुनील शर्मा, मेघा शर्मा। क्योंकि देखो हमारी संस्कृति की, अभी विचारा जी अपनी संस्कृति की बात करते थे, उसी की तरह को आकर लेके जाते हुए हमारे हजारीलाल शर्मा जी ने अपनी संस्कृति को अपनाते हुए पूर्ण वैदिक रीति से यज्ञ पर बैठ करके अपने विदेश में बैठे पुत्र वधु और पुत्र का आज उन्होंने वैवाहिक वर्षगांठ बनाई है।